सब्सक्राइब कीजिए लुकेश टेक को और दबाइए इस बेल आइकन को टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसे कौन से डेटा पैक जो है अपने स्काई मोबाइल फोन में आपको रिचार्ज करना है। वैसे तो इसमें जो दिया गया है वो सिम वो जियो का है, बट आपको नॉर्मली कोई भी जियो सिम का अगर आप ऑफर रिचार्ज अगर आप करते हैं इस सिम में तो वो इसमें काम नहीं करेगा। कारण ये है कि उसके लिए आपको जो है इसमें प्रीमियम कराना होगा, तो उसके लिए आप 99 रुपीज़ का एक्स्ट्रा आपको प्रीमियम कराना होगा। कोई भी अगर रिचार्ज होगा सिंपली से अगर जियो फोन का, तो उसमें आपको जियो सिम से तो उसमें इसको आपको इस फोन में रिचार्ज कराते हैं तो आपको 99 प्लस में आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा। लेकिन ऐसे कुछ ऐसे डेटा पैक हैं जिसे आप डायरेक्टली इस फोन में करते हैं बिना किसी प्रीमियम का आप जो रिचार्ज करा सकते हैं। तो वैसे तो आपके मोबाइल फोन में मैसेज आते होंगे कि 12 रुपीज़ का रिचार्ज करा दीजिए, जिसमें आपको 512 MB दो दिन आपको मिलेंगे, दो दिन के लिए आपको कॉलिंग मिलेगा, उसमें कुछ SMS भी मिलेंगे। तो ऐसा कुछ डेटा पैक्स है जिसमें, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कौन से रिचार्ज है आपको इस फोन में करने हैं। तो पहले सबसे पहले हम मोबाइल फोन में जाते हैं और यहाँ पे हम फोन ऑन कर लेते हैं अपने मोबाइल फोन को। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो है ऑन करना होगा अपना डेटा, तो हम ऑन कर लेते हैं डेटा को। तो उसके बाद जो है आप जो देखेंगे यहाँ पे आपको जाना है, यहाँ पे आपको एक ऐप होगा आपके फोन के, जो कि सामने में जियो है, आपको जियो है माई जियो ऐप जो आपको ओपन करना है अपने मोबाइल फोन में। ये किसी भी स्काई मोबाइल के लिए है, जो भी है आपको स्टूडेंट वर्जन है या फिर जो है होम वाला जो है स्काई फोन है, माइक्रोमिन भारत 2 या फिर माइक्रोमिन भारत 4, दोनों स्काई मोबाइल फोन के लिए जो है आपका सेम प्रोसेस है। तो आपको सेम दोनों में सेम जो है रिचार्ज आपको कराना पड़ेगा। जैसे ही माई जियो ऐप यहाँ पे ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे जो है स्क्रीन में मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको जो है मेन चीज जाना है अपने जो मेन आपको जो रिचार्ज कराना है उस पेज पे आपको यहाँ पे जाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आपका यहाँ पे रजिस्टर नहीं होगा हमारा अकाउंट, तो आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है अपने नंबर को, जो आपका नंबर है उस टैप कर करने के बाद जो यहाँ पे आपको ये बताएगा कि वी प्लान जो आपका जो प्लान अभी करंट में रिचार्ज है वो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है वी प्लान में, और बगल में जो आपको डेटा देता है जितना डेटा आपने सर्च कर लिया कितना डेटा जो अभी बचा हुआ है इसमें आप जिससे भी चेक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ होगी, लेकिन आपको यहाँ पर करना है रिचार्ज प्लान पे। तो यहाँ पे आपको नीचे भी एक रिचार्ज मिलता है और यहाँ पर रिचार्ज प्लान मिलते हैं। तो यहाँ पे आप रिचार्ज प्लान पे क्लिक कर लेंगे तो आपको यहाँ से मिलेगा सारे आपको जो भी रिचार्ज प्लान है यहाँ पे ऊपर जाएगा, थोड़ा देर में ही अपडेट हो रहा है तो आपको यहाँ पे सारे जो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड यहाँ पे मिल जाएंगे। थोड़ा वेट कर लेते थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है कुछ प्राइम बंडल दिए हुए हैं 498, 248, 448, तो ये सारा चीज़ यहाँ पे आपको दे रहा है। लेकिन ये जो पैक्स यहाँ पे दिए हुए हैं ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये इसमें आपको जो है 99 प्लस आकर के दे रहा है। कारण ये है कि इसमें आप देख सकते हैं तो 193 या 153 जो रिचार्ज होता है उसमें जो है आपको 99 रुपये ऐड कर दिया गया है, जो 28 डेज वाला है सब में आपको 99 इसमें ऐड किया गया है। कारण ये है कि इसमें आपको प्राइम के साथ आपको रिचार्ज कराना पड़ता है, तो आपको ये रिचार्ज नहीं कराना है। यहाँ पर सिंपल सर सी है तो आपको यहाँ पर क्या है आपको देख सकते हैं मुझे लिखे प्राइम नंबर से 99 रुपीज़। तो यहाँ से अगर आप रिचार्ज कराएंगे तो आपको जो है अलग से यहाँ पे जो है 99 का है जो चार्ज आपको यहाँ पे देना पड़ता है। लेकिन आपको वो प्लान कराना है तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लान में जाना है आपको, प्राइम बंडल में नहीं बल्कि प्लान में जाना है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं आपको जो सचेत प्लान ही मिलता है, तो इसमें जो है 7 दिन का प्लान 7 डे का जो मिलता है 52 रुपीज़ का है, 1.05 GB का आपको अनलिमिटेड डेटा चाहिए। लेकिन आपको सिंपली जाना है सी जी स्काई में क्लिक करना है। आप देख सकते हैं सी जी स्काई में आपको जो है कुछ 3 ऑफर्स यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। सर 12 रुपये वाला आपको बताया गया होगा कि 1/2 GB आपको डेटा देंगे, उसके बाद अनलिमिटेड डेटा है 2 दिन के लिए। अगर आप 14 डेज के लिए कराते हैं तो आपको 947 रुपये पड़ेगा, 1 GB डेटा देगा, और 97 में कराते हैं आपको 2 GB डेटा मिलेगा 28 दिन के लिए। तो वैसे तो 1 GB 2 GB इतना पॉसिबल नहीं है काफ़ी जो, तो अगर आप चाहते हैं ज़्यादा डेटा पैक्स तो उसके लिए आपको अच्छा है आप जो है इससे करा सकते हैं, जिस डेटा पैक को आप करा सकते हैं प्राइम बंडल में जाके। तो इसके लिए आपको एक बार प्राइम कराना होगा, आपको पता होगा कि प्राइम जो है आपको एक बार रिचार्ज कराना है जो कि 1 साल तक रहता है, तो उसके बाद जो है आपको जो है प्राइम मिल जाएगा बिल्कुल फ्री। उसके बाद जब भी आप रिचार्ज कराएंगे मंथली पैक भी, तो आपको जो है प्राइम कराने की जरूरत नहीं पड़ेगा, जो भी एक्चुअल जो कॉस्ट है वही कॉस्ट जो है आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो ये तो हो गया सारे हम प्लान्स के बारे में हमने बात कर लिया है। तो यहाँ से आप कोई भी रिचार्ज करा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने रिचार्ज कराया 1 महीना वाला, 1 मंथ वाला लगा कर लेते हैं, 28 डेज वाला था, यहाँ पे कर लेंगे हम सिंपल से बाय में क्लिक कर लेंगे। बाय में क्लिक कर लेने के बाद
आप चाहें तो यहाँ से आप खुद से भी रिचार्ज करा सकते हैं, या फिर अगर आप शॉप में जाकर रिचार्ज कराते हैं वहाँ से भी करा सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद से रिचार्ज कराते हैं फ़ायदा ही होता है, कि कुछ परसेंट का जो आपको प्रॉफिट जो मिलने वाले होते हैं डिस्काउंट्स, वो आपको मिलते हैं। अगर आप शॉप में कराएंगे तो वहाँ पर आपको कोई भी डिस्काउंट जो नहीं मिलेगा। यहाँ पे अगर आपको जो है पेमेंट मेथड मिलता है, जैसे UPI भी हुआ है, जियो मनी से कर सकते हैं, फ़ोनपे कर सकते हैं, या फिर आप पेटीएम से भी पेमेंट कर सकते हैं, चाहे तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी एक चीज़ आपको मेथड सेलेक्ट करना है, उसके बाद अगर आपको प्रोसेस कर लेना तो ऑटोमेटिक जो है आपको पेमेंट की डिटेल में चले जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो है कोई नंबर वगैरह लेना है और मैं पेमेंट में क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको प्रोसेस हो जाएगा। तो इससे जो है आप रिचार्ज करा सकते हैं। समझ चुके हैं तो आपको कैसे रिचार्ज कराना है, तो आप चाहे तो यहाँ से कोई भी जो रिचार्ज अपने हिसाब से सेटअप करा सकते हैं। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दिए, और आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तो गुड बाय, थैंक यू।